इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले फॉलिनेक्स टेबलेट्स के बारे में। फॉलिनेक्स टेबलेट्स का क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ करते हैं, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन अलग है और ये किस प्रकार काम करता है और इसका डोज या डोजेस कितना होना चाहिए। इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं। ये टेबलेट्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए। ये टेबलेट्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो फॉलिनेक्स टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या फिर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं फॉलिनेक्स टेबलेट, जो कि हमारे पास 30 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 90 रुपीज़ यानी कि 90 रुपये की भी इसकी एमआरपी है। फॉलिनेक्स टेबलेट्स को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसिस कंपनी है। फॉलिनेक्स टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से फॉलिक एसिड्स एंड मिथाइल कोबालामिन टेबलेट्स आईपी बोलो तो इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल डाले गए जिसका नाम है फॉलिक एसिड्स एंड मिथाइल कोबालामिन इसके अंदर डाले गए हैं। फॉलिनेक्स टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल फॉलेट की कमी वाली एनीमिया और विटामिन B12 की कमी के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और नसों और ब्रेन के स्वस्थ कामकाज का समर्थन करने के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉलिनेक्स टेबलेट्स का इस्तेमाल ये ट्रीटमेंट करता है एनीमिया और न्यूट्रिशंस ओरिजिन प्रेगनेंसी में और ये इंक्रीज कर देता है रिक्वायरमेंट जो कि फॉलेट बॉडी में रहता है और प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉलिनेक्स टेबलेट्स के अंदर जो मिथाइल कोबालामिन रहता है जिसका इस्तेमाल डाइटरी सप्लीमेंट्स यानी कि ये प्रिवेंट करता है, ट्रीट करता है लो विटामिन B12 लेवल्स को और इसका इस्तेमाल एनीमिया में और डैमेज नर्व्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो फॉलिक एसिड रहता है जिसका इस्तेमाल विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये टेबलेट्स ट्रीट करती है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में यानी कि एनीमिया में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपके बॉडी में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की कुछ कमी रहेगी या फिर उसकी कुछ डिसऑर्डर रहेगी तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। फॉलिनेक्स टेबलेट्स का इस्तेमाल फॉलेट की कमी वाली एनीमिया और विटामिन B12 की कमी के उपचार के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉलिनेक्स टेबलेट्स का डोज और डोसेंस की बात करें तो इसका डोज और डोसेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है और उसका डोज और डोसेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। फॉलिनेक्स टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स फॉलिनेक्स टेबलेट्स। फॉलिनेक्स टेबलेट्स के अंदर दो दवाई रहती है यानी कि फॉलिक एसिड्स और मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन एक विटामिन B12 है जो माइलिन यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और नसों को ढकता है और ब्रेन में क्षतिग्रस्त नसों को ठीक करता है। यह रेड ब्लड सेल्स के अहम भूमिका निभाता है और इसके अंदर जो फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 रहता है जो कि बॉडी में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स में मदद करता है। यह नवजात शिशुओं में जन्म दोष यानी कि स्पाइना बिफिडा की संभावना को भी कम करता है। फॉलिनेक्स टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से फॉलिनेक्स टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो फॉलिनेक्स टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल रख दिए वहाँ पर बताएं। फॉलिनेक्स टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।